कृष्ण मंदिर जाए तो जरूर ध्यान रखें। जब भी कृष्ण भगवान के मंदिर जाए तो यह जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण जी की मूर्ति की पीठ के दर्शन न करें। दरअसल पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे तब जरासंध का एक साथी असुर कालयवन भी भगवान से युद्ध करने आ पहुँचा। कालयवन श्री कृष्ण के सामने पहुँच कर ललकारने लगा, तब श्री कृष्ण वहाँ से भाग निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे तब कालयवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे क्योंकि कालयवन के पिछले जन्मों का पुण्य बहुत ही अधिक था और कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक कि उसका पुण्य बल शेष रहता है। कालयवन कृष्ण की पीठ देखते हुए भागने लगा और उसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब कालयवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, कृष्ण एक गुफा में चले गए जहां मुचकुंद नामक एक राजा निंद्रासन में था। मुचकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और राजा की नज़र पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नज़र पड़ते ही राक्षस वहीं भस्म हो गया। अतः भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्यों का कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। कृष्ण जी के हमेशा हमेशा के लिए मुख के ही दर्शन करने चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।